हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल वैशाली जैन पर। आज मैं यहाँ पर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ, जो भी करंट अफेयर्स का भी एक टॉपिक है और आगे स्टैटिक का ही बनेगा। अभी कुछ सिटीज के कुछ प्लेसेस के नाम चेंज हुए हैं, आज इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं किन सिटीज का क्या नाम हुआ है, किन प्लेसेस का स्थानों का क्या नाम चेंज करके रखा गया है। तो आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो अगर अब तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, आपको बेल आइकन पर भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपका मिस ना हो। तो आज हम देखते हैं क्या क्या है हमारे जो सिटीज हैं, जो भी हमारी प्लेसेज है, क्या नाम चेंज करके क्या रखा गया है उनका नाम। देखिये हमारा हेडिंग भी है न्यू नेम्स ऑफ प्लेसेस। इलाहाबाद, इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है? इलाहाबाद का जो नाम चेंज करके रखा गया है वो रखा गया है प्रयागराज। क्या रखा गया है? प्रयागराज। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम प्रयागराज था, फिर उसके बाद चेंज होकर अल्लाहाबाद, फिर इलाहाबाद, और अगेन अब क्या हो गया दोबारा से प्रयागराज। और जो इलाहाबाद है यूपी में है और यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट। नेक्स्ट है फैजाबाद। क्या है फैजाबाद? एक सिटी है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। देखिए यहाँ पर एक अयोध्या जो है, अयोध्या का जो मसला चल रहा है, अयोध्या यहाँ पर एक जगह है। अब क्या किया है गवर्नमेंट ने, ये जो फैजाबाद है इसका पूरा ही नाम क्या रख दिया? अयोध्या। इसका नाम चेंज करने का उन्होंने डिसाइड किया। और यहाँ का नया नाम क्या है? यहाँ का नया नाम है अयोध्या। ठीक है, आई होप आपको याद हो गए होंगे। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। फैजाबाद का नया नाम क्या है? अयोध्या। नया रायपुर, नया रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है छत्तीसगढ़ की? रायपुर। नया रायपुर का नाम क्या रखने का फैसला लिया गया है? नया रायपुर को अटल नगर। क्या नाम है नया रायपुर का? अटल नगर। इसका नाम रखने का मतलब इसका नया नाम क्या है? अटल नगर है। आपको नीचे कमेंट में बताना है छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है। नेक्स्ट चलते हैं मुगल सराय रेलवे स्टेशन। क्या है मुगल सराय रेलवे स्टेशन? यहाँ का जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, आपको याद रखना है ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। हजरतगंज चौराहा कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ के मतलब जो हमारा यूपी है, यूपी के ज्यादा नाम क्या हुए हैं? चेंज हुए हैं, ये भी यूपी में है। हजरतगंज चौराहा, इसका नया नाम क्या होगा? अटल चौक। क्या होगा इसका नया नाम? अटल चौक। अभी दो नाम प्रस्तावित है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कौन से दो नाम है जो अभी प्रस्तावित है, अभी उन पे मोहर नहीं लगी है। आगे चलते हैं क्या है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। क्या है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे? इसका जो नया नाम है वो नया नाम क्या रखा गया है? इसका नया नाम रखा गया है अटल पथ। क्या रखा गया है नया नाम? नया नाम रखा गया है अटल पथ। आगे क्या है आगरा एयरपोर्ट। क्या है आगरा एयरपोर्ट और इसका नया नाम क्या रखा गया है? दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। क्या रखा गया है? दीन दयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। अभी जो भी एग्जाम है उनमें ये एक सब करंट अफेयर्स का एक टॉपिक बनेगा, तो आप इन नाम को जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्या है कांडला बंदरगाह। क्या है आगरा जो एयरपोर्ट है ये यूपी में है, अब है कांडला बंदरगाह, इसका नया नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह। क्या है? दीनदयाल बंदरगाह। ये गुजरात में है, गुजरात के कच्छ में है। ठीक
ठीक है, हमने आठ अब तक देख चुके। और क्या है नेक्स्ट हमारा? गुड़गांव। सबको पता है गुड़गांव का नाम क्या रखा गया है? गुरुग्राम। क्या रखा गया है? गुरुग्राम। और ये जो गुड़गांव है यानी ये गुरुग्राम के नाम से है, इसका जो हमारा इसे क्या किस नाम से बुलाते हैं? साइबर सिटी के नाम से भी इसको बुलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोरखपुर एयरपोर्ट, ये भी यूपी में है। तो गोरखपुर एयरपोर्ट जो है उसका नया नाम क्या है? इसका हमारा नया नाम है महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। क्या है? महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। ये तो वो है जिनको सबको मंजूरी मिल गई है। अभी दो ऐसे हैं जिनको मंजूरी नहीं मिली है, साइन नहीं हुए हैं, वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा शिमला। शिमला का क्या नाम रखा जाना है? श्यामला। और जो हमारा अहमदाबाद है, हमारा अहमदाबाद है, उसका नया नाम क्या रखा जाना है? कर्णावती। ये दोनों अभी प्रस्तावित है, इनको मंजूरी नहीं मिली है। आज हमने कुछ इसमें इम्पोर्टेंट देखे नाम जो भी हमारे नए रखे गए हैं। और मेरी और भी वीडियोस अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिलता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।